बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे किचन में बनने लगी है दाल, क्योंकि गर्मी आ गई है तो मैंने सोचा कुछ हल्का फुल्का हो जाए, क्योंकि अब ज़्यादा मीट वगैरह खाने को दिल नहीं करता। तो आइए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। हाफ कप मैंने ली है चने की दाल, 1 कप ली है मूंग की दाल, 1 कप ली है मसूर की दाल। आप चने को निकाल भी सकते हैं, ऐसे मूँग मसूर की भी रख सकते हैं, जो आपको पसंद हो। 1 छोटा प्याज लिया है मैंने, 1 छोटा टमाटर लिया है मैंने, और 1 टेबलस्पून लिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने रेड चिली, 1/2 टेबलस्पून लिया है मैंने नमक, और 1 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी। आइए स्टार्ट करते हैं। हमें मिक्स करेंगे दालें सारी। हम वॉश कर लेंगे अच्छी तरह। कुछ लोग बगैर वॉश के भी डाल देते हैं, मैंने ये भी देखा है, लेकिन वॉश करके डालना चाहिए। पैन में पहले से 2 जग मैंने, मतलब 2.5 से 3 लीटर मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। जब इसमें बबल्स बने तब हमने दाल डालनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। रेड चिली, अनियन, टमाटो, सॉल्ट, हल्दी, अब हम इसे 2-3 उबाले आने के बाद हम इसे दरमियानी आंच पर रख देंगे। इसमें बॉईल आ गया है, अब हम इसे दरमियानी आंच पर पकाएंगे। अपनी दाल चेक करेंगे और ये आधे घंटे बाद इस तरह की हो गई है। और अब हम इसे 4-5 मिनट के लिए इसे मिक्स करेंगे, और फिर हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे दम पर रख देंगे और 15 मिनट बनाएंगे, फिर ये यकजान हो जाएगी। अब हम इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये देखें, सारी दालें यकजान हो गई हैं। अब हम इसमें 1 चाय के चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। और ये देखिए, दाल एक जान हो गई है। और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे और हम इसमें 2 टेबलस्पून नींबू का जूस डालेंगे और अब हम तड़का लगाएंगे। हाफ कप ऑयल लिया हमने और इसमें हमने 1 छोटी प्याज और 3-4 जवे हमने इसके लहसुन के ले लिए। अब हम इसे लाइट ब्राउन करेंगे। इसमें लाल मिर्च डालेंगे, आपके पास गोल वाली है तो गोल डाल दें, जीरा डालेंगे,
और साथ ही अब हम इसमें कड़ी पत्ता और साथ हम ऊपर हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसके साथ वाइट राइस के साथ सर्व करेंगे और ये हम इसमें दाल डालेंगे और साथ हम सैलेड लेंगे और ये हमारी प्लेट तैयार हो गई दाल चावल। चलिए आज की डिश तैयार हो गई है, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।